नेता हरिशंकर भाभड़ा के निधन से शोक की लहर है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हरिशंकर भाभड़ा का निधन हो गया। भाभड़ा की पार्थिव देह भाजपा कार्यालय लाई जाएगी, अंतिम दर्शनार्थ के लिए बीजेपी कार्यालय में रखा जाएगा पार्थिव देह। सीएम भजन लाल शर्मा समेत तमाम नेता श्रद्धांजलि देंगे। तो आपको बता दें कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिशंकर भाभड़ा के निधन से शोक लहर चल गई है। और आपको बता दें कि आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 96 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हरिशंकर भाभड़ा का आज निधन हो गया और आज उनके पार्थिव देह को भाजपा कार्यालय लाया जाएगा। अंतिम दर्शन उनके किए जाएंगे, बीजेपी कार्यालय में रखा जाएगा पार्थिव देह। तो वहीं सीएम भजन लाल समेत तमाम नेता श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे। और देखिए तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की है और अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव देह भाजपा कार्यालय लाया गया है और तमाम नेता यहां पर मौजूद हैं अंतिम दर्शन के लिए। सभी लोग यहां मौजूद हैं और इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जिसमें भाजपा कार्यालय से सीधी लाइव तस्वीर आपके सामने फिलहाल टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम नेता श्रद्धांजलि देंगे। और शोक की लहर अभी चल रही है क्योंकि परिवार के प्रति सभी की संवेदनाएं हैं। और थोड़ी देर पहले ही हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी और हमने बताया भी था कि जब इनका इलाज चल रहा था, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से ये बीमार चल रहे थे, खुद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अस्पताल गए थे इनसे हालचाल जानने के लिए। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी हुआ कि जब इनकी स्थिति वैसी नहीं थी कि ये किसी से मिल पाएं या बातचीत कर पाएं। भाभड़ा साहब भाजपा के बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने जनसंघ से अपना कार्यक्रम शुरू किया था जो बीजेपी में जाकर अंत हुआ। और उनका ये सपना था कि राम मंदिर उनके आंखों के सामने बने और राम मंदिर उन्होंने देख लिया। और देखने की उनकी तबीयत तो 4-5 दिन पहले से नासाज थी, लेकिन जब से उनको पता लगा कि राम मंदिर जो है उद्घाटन होने जा रहा है, राम मंदिर कर रहे हैं राम मंदिर का, तो उसके बाद में वो लगातार उसके लिए इंतज़ार करते रहे। और जैसे राम मंदिर का सपना उनका पूर्ण हुआ और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जब हमने देखा तब हमें यकीन नहीं हुआ कि इस तरीके से उन्होंने एक रिएक्शन दिया। जब मैंने उन्हें कान में बताया कि राम मंदिर की स्थापना हो चुकी है, उसी के कुछ टाइम बाद ही उनकी तबीयत बिगड़ी और उसके बाद वो अस्पताल में हमने रूंगटा में उन्हें एडमिट करवाया, तो उसके बाद उन्होंने आज शरीर त्याग दिया था। और चलिए विष्णु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु क्या रुख करते हैं? विष्णु, भाजपा के वरिष्ठ नेता हरिशंकर भाभड़ा का आज निधन हो गया है, हर तरफ शोक की लहर है। ऐसे में भाजपा कार्यालय में पार्थिव देह उनका लाया गया, तमाम नेता वहां पर मौजूद हैं, सीएम भी वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच चुके हैं। क्या कुछ तस्वीरें और वहां से आ रही है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी कुछ देर पहले यहां पर पहुंचे हैं, अभी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए यहाँ पर जो बीजेपी का झंडा है वो यहाँ पर पार्थिव देह पर लपेटा जा रहा है, क्योंकि ये एक बीजेपी के प्रखंड नेता रहे हैं, या क्यों कह सकते हैं कि जो शुरुआती तौर में जो जनसंघ था उसके बाद बीजेपी की स्थापना हुई, जो राजस्थान में तीन प्रमुख नेताओं में से आखिरी युग था जो उसका निर्वाचन हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी है मुख्यमंत्री के साथ, और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी है, जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोरा है, विधायक गोपाल शर्मा है, बीजेपी के पदाधिकारी हैं। आप देख सकते हैं कि अपुष्प चक्र अर्पित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भाभड़ा के पार्थिव देह पर। पहले ध्वज पार्टी का वो यहाँ पर उन्होंने उनको अर्पित किया और उसके बाद नमन कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आज जो बीजेपी सत्ता में है, इन्हीं जो कर्मठ जो नेता है उनकी बदौलत यहाँ पर बीजेपी सत्ता में है लगातार। पहले भी भाभड़ा भी यहाँ पर दो बार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके, दो बार विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाभड़ा को पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, कुछ चक्र चढ़ाया है फतेहपुर से। तमाम जो नेता पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के लिए एक पूरी तरह श्रद्धांजलि है। जो यहाँ पर भजन है वो यहाँ चल रहे हैं मंद स्वर में, तू ही दाता तू ही विधायक।
रूपा स्वामी, तो ये चल रहा है एक तरह से, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं पार्टी के जब कार्यकर्ता रहे हैं तो उन्हें जब श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि ये बनता भी है कि पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी वैसे भी परिवार चलाती है पूरा, तो एक परिवार का जो पुराना मुखिया है वो आज यहाँ देवलोक गमन करके गया है। 94 वर्ष की हरिशंकर भाभड़ा, बात की जाए राजस्थान के शुरुआती दिनों की, तो तीन पुरुष युग पुरुष चलाते हैं इसमें, पूर्व पूर्व उपराष्ट्रपति भैरवसिंह शेखावत, उसके साथ ललित किशोर चतुर्वेदी और हरिशंकर भाभड़ा, ये तीनों की तिजंडा था जो यहाँ पर बीजेपी को कई मुकाम तक लेके आया, सत्ता तक पहुंचाया, और उसके बाद अब वो यहाँ रहे और पार्टी को आज जो देन है वो इन तीनों लोगों की है। दोनों की पहले हरिशंकर भैरवसिंह शेखावत और ललित किशोर चतुर्वेदी की पहले देवलोक गमन हो चुका था, ये आज यहाँ पर जो तीसरा जो उनकी टिप्पणी थी उसमें हरिशंकर भाभड़ा की भी यहाँ पर आज अंतिम सांस लिए उन्होंने, और अब यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में इस वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है मुख्यमंत्री। पूर्व उप मुख्यमंत्री के पद पर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पद पर रहे, प्रदेश के लिए कई उन्होंने काम किए, आज लोग उसी को याद कर रहे हैं, सभी की आंखें नम है, तमाम जो नेता वहां पे मौजूद है, खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद है और श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें सभी को भावुक करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से हरिशंकर भाभड़ा का जीवन काल रहा है, 96 साल की उम्र में अंतिम सांस ली, अभी कुछ देर पहले हमने सुना कि उनके जो करीब थे, उनके परिवार के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि आखिरी वक्त में एक चीज ये हुई थी कि जब राम मंदिर का प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन वो उस घड़ी का इंतजार कर रहे थे लंबे समय से, और जब उनको ये बताया गया कि प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, यानी कि ये बात सुनने के लिए उनके कान तरस रहे थे, और जब उन्हें पता चला कि ये चीज जो सालों से जिसका इंतजार हो रहा था वो पूरी हो चुकी है, फिर उन्होंने अंतिम सांस ली। बिल्कुल, उनके पुत्र है सुरेंद्र भाभड़ा और उनके पोते थे गौरव, साथ ही जो कहता है उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था अभी कुछ देर पहले जब हम उनके आवास पे थे तो उन्होंने कहा था कि राम मंदिर को लेकर उनकी बड़ी अभिलाषा थी कि वो राम मंदिर के दर्शन भी करें, लेकिन अभी पिछले 8 दिनों में अस्वस्थ हो गए थे। अब जब 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब वहां प्राण प्रतिष्ठा की रामलला की, जब उन्हें बताया गया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है तो वो मुस्कुराए और उन्होंने हालांकि ज्यादा बातें नहीं की, लेकिन उनकी एक अभिलाषा थी वो पूरी हुई, और उसके बाद वो अगले दिन कोमा में, एक तरह से कोमा में चले गए, बेहोश की हालत में कोमा में चले गए, और उसके बाद आज उनका देवासन हो गया। यानी कहीं ना कहीं उनके मन में इच्छा थी कि राम मंदिर का भव्य निर्माण बने, लगातार वो जिक्र भी करते रहते थे परिजनों से, पार्टी कार्यकर्ताओं से, और आज जब ये अभिलाषा पूरी तो एक तरह से उनकी आत्मा भी शांति हो गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं राम मंदिर सबके लिए था महत्वपूर्ण, सब लोग अभिलाषा में थे, तो ऐसे में उनका भी हुआ अभी अंतिम अभिलाषा थी वो पूरी हुई एक तरह से अगर माना जाए। यहाँ तमाम विधायक अब भी पहुंच रहे हैं, ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और देखा, जैसे कि हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये भाजपा कार्यालय से तस्वीरें हैं जहां पर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए।